देश की राजनीति में बड़ी चर्चा है, संसदीय सचिव बनाने और मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा। संसदीय सचिव को लेकर कुछ बदलाव करने की सूचना पिछले दिनों एजी से इस बारे में ली गई थी राय। अब सूत्रों से मिल रही अहम जानकारी, शॉर्ट नोटिस पर कभी भी बनाया जा सकता है संसदीय सचिव। मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर भी गंभीर चर्चा। केसी वेणुगोपाल की यात्रा के बाद जल्द बदल रहा है ये घटनाक्रम। मुख्यमंत्री ने कुछ विधायकों को कल 12 बजे आवास पर बुलाया है, तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव के संकेत। प्रदेश की राजनीति में बड़ी चर्चा हो रही है, संसदीय सचिव बनाने और मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा है। संसदीय सचिव को लेकर कुछ बदलाव करने की सूचना दी गई है, पिछले दिनों एजी से इस बारे में राय ली गई थी। और साथ ही कहा यह गया कि अब सूत्रों से अहम जानकारी है कि शॉर्ट नोटिस पर कभी भी बनाया जा सकता है संसदीय सचिव। मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर भी गंभीर चर्चा। केसी वेणुगोपाल की यात्रा के बाद जल्द बदल रहा है घटनाक्रम। मुख्यमंत्री ने कुछ विधायकों को कल 12 बजे बुलाया है आवास, क्योंकि केसी वेणुगोपाल का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और मुलाकात लगातार हुई गोविंद सिंह डोटासरा से भी, और उसी दिन लंबी मंत्रणा चली थी मुख्यमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री के साथ लंच भी था और इस दौरान काफी घंटे केसी वेणुगोपाल और मुख्यमंत्री के बीच मंत्रणा चली। और कहा यह जा रहा है कि उनकी यात्रा के बाद ही जल्द यह घटनाक्रम बदल रहा है, क्योंकि कल कुछ विधायकों को मुख्यमंत्री आवास पर भी बुलाया गया। हो सकता है कि कुछ बड़े बदलाव हों, क्योंकि संगठन में तो बदलाव कर दिए गए हैं, संगठन में नियुक्तियां दे दी गई हैं, लेकिन कहीं कुछ कुछ लोग खुश नजर नहीं आ रहे थे। कहा यह जा रहा था कि उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने में ये रोड़ा बनेगा, और ऐसे में जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। ऐसे में अब जब केसी वेणुगोपाल गए हैं, लगातार देखना बेहद महत्वपूर्ण क्या कुछ होगा। और हमारे सहयोगी नरेश शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। नरेश, मुख्यमंत्री ने कुछ विधायकों को 12 बजे बुलाया है, कुछ घटनाक्रम बदलने वाला है ऐसा लग रहा है। देखिए, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता कि विधायकों को क्या उसी घटनाक्रम के तहत बुलाया गया है, लेकिन हाँ, साधारण मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन आज जो है वो एक बार फिर से ये चर्चा जोर पकड़ी है, खासकर संसदीय सचिव बनाने को लेके और मंत्रिमंडल फेरबदल को लेके। जो हमें सूचना मिली है उसके अनुसार पिछले दिनों एजी है, उनसे भी इस बारे में राय ली गई थी कि जो कहीं शर्तों में या कहीं नियमों में कोई बदलाव किया जाना हो संसदीय सचिव को लेके, क्योंकि पहले इसको लेके विवाद हो चुका है, तो क्या उसमें कोई संशोधन हो सकता है, क्या इस बारे में चर्चा जरूर हुई थी। और इस बात की संभावना है कि भविष्य में जल्दी शॉर्ट नोटिस पे कुछ विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, इसके लिए किसी बड़े कार्यक्रम की जरूरत नहीं होती है, मुख्यमंत्री ही ये शपथ दिलाते हैं और मुख्यमंत्री के निवास पर एक साधारण कार्यक्रम इस बारे में हो सकता है। हालांकि समय और तारीख तय नहीं है, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहे हैं, जिस तरह से चर्चाएं सामने आ रही है, उसको देख के लगता है निकट भविष्य में कभी भी जो है ये कार्यक्रम हो सकता है। और जहां तक विधायकों को बुलाने की जानकारी है, तो हाँ, कुछ विधायकों को जो है वो कल 12 बजे मुख्यमंत्री ने बुलाया है, हालांकि उन्होंने समय भी मांगा था कुछ ने मिलने के लिए। तो ऐसे में कुछ को जो बुलाया है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पे एक कार्यक्रम भी है जिसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह से केसी वेणुगोपाल की यात्रा रही है अचानक जयपुर में, उसके बाद इस चर्चा को और जोर मिल गया कि जो विधायकों को जो बार बार से बात आ रही थी कि विधायकों को जो सरकार में हिस्सेदारी दी जाए, तो ऐसे में अब जल्द ही इस बारे में जो है वो फैसला हो सकता है। जी जी नरेश, लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।